सर मैं सुनो जरा। अच्छा जी बस बस बस, जब मैंने सुने सुने, जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, सुनो सुनो, जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया, मुझे अभी तक पता नहीं है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया, वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी तो नहीं ऐसे जाते। मियां वाली, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हम अपने मुल्क को जैसे जैसे ये सही रास्ते पे लगा है, जैसे जैसे इस मुल्क में, मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर सरमायाकारी होनी शुरू हो गई है, जैसे जैसे हमारी दौलत बढ़ती जाएगी, सबसे पहले कोशिश ये होगी कि हम अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाएं। कोशिश होगी कि ये जो, और ये महंगाई के ऊपर इंशाल्लाह आपको मैं खुद काबू पा के दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे ये मुल्क में खुशहाली आती रहेगी, सबसे ज्यादा पैसा हमने अपने कमजोर तबके पे खर्च करना है, हमने अपने कमजोर इलाकों पे खर्च करना है, हमने मियां वाली, डीजी खान और चौंसा, ये सारे जो तौंसा जो इलाके हैं, उधर जो डीआई खान, जो इलाके पीछे रह गए हैं, इंशाल्लाह उनको हम उठाने के लिए जैसे जैसे पैसा आएगा इंशाल्लाह हम अपने कमजोर इलाकों को उठाएंगे और अपने कमजोर लोगों को उठाएंगे। लेकिन मियां वाली, मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, आप मेरे साथ थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मियां वाली में खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उनकी जानिब से ये बताया गया कि मुल्क में महंगाई क्यों है, साथ ही साथ ये दावा भी किया गया कि करंट अकाउंट खसारा अब खत्म हो चुका है। साथ ही साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक भी कई सवालात वज़ीर-ए-आज़म इमरान